हेलो गाइज यार, कैसे हैं आप सभी लोग? तेरे आज इस वीडियो में दोबारा से खेल जा रहे हैं संभल गाइज। और यार आज हम कर रहे थे 1v1 विद फायर गेमिंग, जिनको तुम लोग जानते ही होगे, जितना मुझे लगता है प्रो प्लेयर है भाई, जानना तो पड़ेगा। मतलब काफ़ी अच्छा खेलता है मजाक से हट के। और अभी इंट्रो भी नहीं खत्म हुआ, नेट के नशे पहले ही चालू हैं भाई। मुझे खेलने दोगे नहीं खेलने दोगे भाई सालो? BSNL वालों, जैसे BSNL है नहीं मेरा, एक बंदे ने लिख रखा था, मुझे एक टाइम पर खुद ही शक हो गया BSNL तो नहीं लगवा रखा मैंने। पर नहीं गाइज, BSNL नहीं है अपना, थैंकफुली भाई। BSNL के तो और हो जाता भाई सीन। एक तो यहाँ पे भाई मुझे कितने बंदों ने बोला जियो लगवा लो, एयरटेल लगवा लो, यार नहीं है इधर टावर। सबसे पहले मैंने जियो ढूंढा था, नहीं मिला मेरे को। फिर मैंने एयरटेल बोला, एयरटेल भी नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे को कोई लोकल मिला, मैंने चिपकवा लिया भाई। मैंने बोला भेड़ दो भाई जो भी है, मेरे को वाईफाई तो चाहिए ही, जो वाईफाई कम, नेट से भी गंदा ही चलता है। खैर ये भाई पूरा 15 राउंड का होने वाला था, मतलब बहुत बड़ा चलेगा। पहला राउंड में तो तुम लोग ने देख ही लिया भाई क्या हुआ मेरे साथ। और ये अभी एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार होने वाला है, तुम रुक जाओ अभी। मैं तो भाई परेशान हो गया हूँ और क्या ही करूँ मैं। ये देखो फिर हो रहा है भाई, इस बार थोड़ा टाइमिंग अच्छी थी, बच गया मैं, क्वालिफाई कर गए भगवान की कृपा से, बस वही बहुत है। अब आ चुका था यार लॉस्ट टेम्पल, जो कि यार सारे देखो मैप्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, मैप्स का सारा जो भी है मेरे पे ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैप्स गलत आएंगे या कुछ सीन है, प्राइवेट टूर है भाई, सारे मैप्स अपन ने डिसाइड किए हैं। और यार अगर तुम चैनल पर नए हो तो थोड़े पुराने बन जाओ और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रोज़ रोजाना वीडियो देखने में मज़ा आ जाएगा, मरजानी लाइफ एकदम। इस वीडियो में लाइक एंड वक्त पूरे के बुरे बन के लाइक के लिए टू लिस्ट हो पाते हैं नहीं हो पाते। और यहाँ पे मैंने हक दिया है यार, वो बिल्कुल पीछे पीछे आ रहा था, मैं सोचा भाई लीड ना दूँ, उसके चक्कर में मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया, हक दिया भाई। और गाइस मेंबर्स टूर जल्दी होने वाला है वापस से, प्राइवेट टूर जो भी मैं मेंबर्स के लिए करवाता हूँ। अगर तुम लोग को खेलना है तो जल्दी से जाओ, मेंबरशिप का बटन दबा दो। और यार अब आ चुका है आईसी हाइट, जो कि इतना कोई खास मैप तो नहीं लगता है, पर खेलना तो पड़ेगा। देखो अब सारे मैप डाले हैं मैंने, तो खेलना पड़ेगा। स्पॉन तो चलो अपने पास नहीं थी, पर यार इसमें मुझे इतना स्पॉन का टेंशन था भी नहीं, क्योंकि ये मैप थोड़ा ना रद्दी है भाई, ये मैप रद्दी ही है, थोड़ा क्या रद्दी ही है ये। और भाई मुझे पता था यार फायर जल्दी के चक्कर में हक देगा यार। ये ना पंगा क्या हो रहा है, पिछली में मैं आगे था, मैं पीछे से पैनिक हो रहा था, इस बार ये पैनिक हो गया, मतलब जो आगे है वो हक रहा है, बस इतना कह सकते हैं। ठीक है यार, अपने को क्या ही फर्क पड़ता है, अपने को पॉइंट से मतलब का पॉइंट मिल गया, बहुत है, बस घर चलो अपने अपने। और यार अब आ चुका था ओवर एंड अंडर, जो कि मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है, कसम से नहीं है भाई पसंद मेरे को, भाई रद्दी लगता है ये, मेरे को डालने का भी मन नहीं था, पर मैंने सोचा सारे डाल रहे हैं, मतलब सारे मैप ही आ रहे हैं, तो इसको भी, इसके साथ क्या हम डिस्क्रिमिनेशन करें, इसको भी डाल देते हैं। तो डाल दिया भाई, यहाँ पे मैंने थोड़ा हैवी बॉडी मार दिया भाई। वो बंदा मुझे पता था भाई, अगर वो पीछे होता है ना तो वो कौन सी ट्रिक करता है मेरे को पता है, मैंने वॉर वगैरह में देखा है, वही कर रहा था वो, मैंने बॉडी मार दिया। और यहाँ पे इजीली तुम्हारा भाई विन निकाल के चला गया। अब जो मैप आने वाला है वो है बिल्कुल सस्ता मैप सुपर स्लाइड, जो कि भाई अब बिल्कुल ग्राइंडेड नहीं है भाई, कसम से नहीं है, क्योंकि भाई इस मैप ने आना ही बंद कर दिया है भाई, इसका मन ही नहीं करता आने का, जब आना होता है तब आता ही नहीं भाई, खेले कैसे भाई समझ ही नहीं आता। यहाँ पे तो तुम्हारे भाई ने अच्छी खासी लीड निकाल ली थी, पता नहीं कैसे निकाली, लेकिन बहुत प्यारी लीड निकाली हुई थी मैंने। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं नॉर्मल जाऊँ या चढ़ के जाऊँ, इसके चक्कर में मैं बीच में अड़ गया भाई। भाई मैं, मेरे साथ यही होता है, मैं जब कंफ्यूज होता हूँ ना मेरी ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि देखो फायर मेरे से पीछे रह गया था, उसको मैं 2 बार बॉडी कर दिया था, तो मैं इस कंफ्यूजन में था कि मैं डंडी पे चढ़ के जाऊँ या मैं नॉर्मल जाऊँ, डंडी पे चढ़ के जाऊँ या नॉर्मल जाऊँ। तो मैंने सबसे पहले नॉर्मल जाते हैं, फिर मैंने सोचा डंडी पे चढ़ के जाते हैं, मिक्स होते होते भाई कांड ही हो गया सीधा साथ में। ठीक है भाई कोई नहीं, होता रहता है कभी कभी, मतलब हो जाता है, इधर उधर निकल जाता है बंदा फ्लो फ्लो में, तो हार गए भाई ये वाला भी। अब आ चुका था ब्लॉक डैश, और ब्लॉक डैश में यार फायर बहुत अच्छा खेलता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेलता है, मतलब एक टाइप से तुम लगा लो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स ऑफ ब्लॉक डैश है ये बंदा, तो मतलब समझ जाओ भाई क्या होने वाला है मेरे साथ। ऊपर से ये वन ऑफ द बेस्ट है और मैं वन ऑफ द वर्स्ट भी नहीं हूँ भाई, मैं मेरा बहुत गंदा है, मजाक से हट के रद्दी हो रखा हूँ भाई मैं इस मैप में, भले पसंद बहुत है, देखो शक्ल देखने में बहुत अच्छा लगता है मैप, लेकिन वही है ना यार कांड तो नहीं है। और मैप से याद आया, नया मैप आ चुका है गाइस, तुम लोग ने ट्राई किया है नहीं किया मुझे बताओ, बेटा वर्जन डालो भाई अपने अपने फ़ोन में और खेल के देखो। मैंने भी खेल लिया है भाई, एक ही बार खेला है अभी तक, जो जिसकी वीडियो मैंने डाल दी है 8 बजे, तुम लोग ने देखी तो देखो, नहीं देखी तो भी देखो, क्योंकि हमें दिखवाना है बस, देखो तुम। अब आ जाते हैं वापस वीडियो पे, अभी तक देखो मैच बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ पे मेरे को कौन सा एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया मेरे को नहीं पता, मैंने एक ब्लॉक तोड़ा था उड़ता हुआ गया मेरा बंदा सुपरमैन का भतीजा, और सामने जाके कांटों में क्यों भिड़ गया मेरे को नहीं पता भाई। ये देखो कुछ भी हो रहा है भाई मेरे साथ, मेरे को केस करवाना है फायर के ऊपर भाई, कोई ना कोई हैकर है भाई, ये हैकर है, इसने कोई ग्लिच यूज़ किया भाई, मेरे साथ एक पंगे हो रहे हैं। अब आ चुका है वापस लेजर ट्रेसर, और देखो लेजर ट्रेसर एक ऐसा मैप है जिसको ना मैं जीत सकता हूँ, मतलब कोई भी हो ना मेरे अगेंस्ट, मेरी फटेगी नहीं एक टाइम को लेजर ट्रेसर खेलने में, लेकिन अगर नेट मेरे अगेंस्ट हो तो मेरी सबसे ज़्यादा फटेगी। और अभी की सिचुएशन यार वैसी ही चल रही है, मेरा नेट बार बार जाया जा रहा था और कुछ ज़्यादा ही चला गया इस बार, तो वैसे तो मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता था और मैं गिर जाता था, वैसा नहीं हुआ इस बार, सीधा 400 ही चली गई पिंग।
भाई मतलब फुल डीमोटिवेशन भाई, मतलब खेलने नहीं देगा ये नेट मेरे को, नहीं खेलने देगा भाई, मेरे को रीमैच चाहिए। फायर अगर तू ये वीडियो देख रहा है, मेरे को रीमैच चाहिए। यहाँ पे वापस से नेट चला गया और यहाँ पे जॉयस्टिक लीज देखो चलता जा रहा है भाई लौंडा, मेरे को नहीं जाना उधर भाई, ये देखना। और अब देखो भाई क्या होगा मेरे साथ, अभी भी चलता जा रहा है। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, कसम से नहीं कर रहा था मैं, मतलब माँ बाप खानदान की कसम खा लूँगा मैं, कसम से कुछ नहीं कर रहा था। और पंगे हुए जा रहे हैं भाई, कभी नेट जा रहा है कभी जॉयस्टिक ग्लिच। और अब देखो क्या होगा मेरे साथ, मतलब ये चीज़ तुमने आज तक नहीं देखी होगी, ये ऐड कहाँ से आ गई बीच में, ये किसका है, ये कौन है, ये कौन इंसान है जिसकी ऐड आ गई बीच में अचानक से। मैं तो नहीं लाया भाई ऐड, कुछ भी हो रहा है भाई, मतलब एक बार रुक जाओ, मैं ये ऐड काटूंगा नहीं जिससे तुम लोग को पता चले कि सही में इसके बीच में ऐड आई है, मैंने नहीं लगाई। ये देखना भाई, भाई कैसे, क्यों, कब हुआ ये भाई, अनोखे ग्लिच है भाई, मेरे साथ ही क्यों है, क्या बिगाड़ा है मैंने इस गेम का भाई। मुझे लग रहा है मेरा कोई पिछले जन्म का कोई बदला बदला लिया जा रहा है मेरे से, मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं बेकसूर हूँ, फालतू में छेड़ ली जा रही है भाई मेरी, कुछ करता भी नहीं हूँ भाई, शरीफ सा लौंडा हूँ भाई, ऐसी तैसी फेर रखी है मेरी। मतलब भाई कोई मैच बचा है जिसमें मेरे को जीतने दोगे, मेरे को नहीं लग रहा, आराम से खेल रहा हूँ भाई, फालतू का पीछे पड़े हुए। यहाँ पे भाई मैंने इस बार कोई भी जल्दीबाजी नहीं करी, फुल घूम घूम के आया, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि फायर अड़ेगा भाई, फायर अड़ा ही नहीं, फायर एक सिंगल जंप में लेके चला गया, फायर निकल गया भाई ऊपर से निकल गया, टाट के ऊपर से निकल गया। शर्म करो भाई, ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है भाई, खोपड़ी के ऊपर से निकल के कैसे जा सकते हो तुम। पर मैंने बोला कोई नहीं, अभी तक हम हरकतों की वजह से हार रहे थे, एक जनवन हार जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, लॉस्ट टेंपल आता जाता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। जहाँ पे आज कहता जंगल रोल, स्टार्टिंग में ही नेट चला गया भाई, मतलब मत खेलने दो मेरे को, मेरी किडनी ले लो तुम भाई, नहीं खेलने दे रहे भाई, क्या परेशानी है। ऊपर से इन हरामियों की टाइमिंग इतनी अच्छी कैसे होती है, वहीं पर नेट जाता है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर भाई जंगलिच हो गया मेरा, मैं सीधा समा गया भाई पानी के अंदर, स्विमिंग करने चल दिए हम पर लाइफ गार्ड नहीं लेके गए थे। यहाँ पे फिर से जंगलिच हो गया, फिर से समा गया पानी के अंदर। इस दुनिया जहान के जितने ग्लिचेज हैं सारे मेरे साथ ही होंगे, मेरे को इतना समझ आ चुका था। जो नहीं भी है ना, मतलब दुनिया जहान के ग्लिचेज नहीं भी हैं वो भी होंगे मेरे साथ, मतलब बने भी नहीं होंगे ग्लिच, वो भी मेरे साथ ही होने, समझ रहे, मतलब कभी जंप ग्लिच, कभी नेट नहीं आ रहा, कभी ऐड आ गई बीच में। ऐड कहाँ से आ गई भाई, कौन लाया ये ऐड, स्टंबल के जल तो नहीं लाएंगे क्योंकि मैं स्टंबल पास लेके बैठा हूँ, ऐड क्यों आई। ठीक है भाई, तुम में से किसी की कभी ऐड आई तो मेरे को बताना भाई, मेरे को भी पता चले तुम्हारे साथ हो रहा है नहीं हो रहा। अब आज इधर वापस आईसी हाइट्स, पिछली बार तो हम जीत गए थे, इस बार उम्मीद तो नहीं थी। यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स करने का ट्राई किया, ऑलमोस्ट हो भी गई, लेकिन फिर हक दिया भाई, उसने भी हक दिया, मैंने भी हक दिया, दोनों ही अपना अलग ही खेल रहे हैं भाई, स्टंबल गाइस नहीं कोई और ही गेम में आ गए हैं, दोनों ही हगे जा रहे हैं। यहाँ पे भाई वो फिर से आ गया था, मुझे लगा वो हक देगा लेकिन नहीं हगा उसने, मैंने पूरी कोशिश कर दी देखो यार कि मैं लीड ले पाऊँ, और ऑलमोस्ट मैं ले भी गया था, बिल्कुल पॉइंट से रह गया, पर कोई टेंशन नहीं है। देखो यार ऐसे हारू ना मेरे को चलेगा कि मेरा नेट नहीं जा रहा, मेरे साथ ऐड नहीं आ रही, मैं नॉर्मल खेल रहा हूँ, डिसेंट खेल रहा हूँ, खुद हग रहा हूँ, नहीं हग रहा हूँ, जो भी हो रहा है लेकिन हार रहा हूँ, ठीक है चलेगा मेरे को भाई, ऐड क्यों आ रही है। ठीक है भाई, कंट्रोल कंट्रोल। यहाँ पे आज का यार वापस ओवर अंडर और फायर, मुझे पता था देखो फायर की जिस हिसाब से स्पॉन थी वो नहीं हो पाता खड़ा, क्योंकि टूर्नामेंट में ना थोड़ा लेट करेक्टर खड़ा होता है और उसकी स्पॉन थोड़ी ज़्यादा ही आगे थी, नहीं हो पाता उसका, तो वही हुआ, वो भाई बंदा पलट गया। यहाँ पे देखो भाई फिर से नेट चला गया, क्या दिक्कत है सालो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे फायर ने हक दिया, यहाँ पे मैं चढ़ चुका हूँ, फिर से नेट चला गया, शाबाश। और कुछ बचा है, मैं कह रहा हूँ ना भाई ये नेट जाने की टाइमिंग है भाई, कुछ भी बोलो टाइमिंग तो है। यहाँ पे भाई फायर को पता चल गया था शायद कि मेरा नेट चला गया है, क्योंकि भाई इतनी गंदी जगह पे ना कोई नहीं हकता, मतलब चलता चलता पहले गिर जाए फिर ऊपर से सेकंड पे चढ़ के वापस गिर जाए, भाई इतना कोई नहीं हक सकता, तो फायर ने विन दे दी। थैंक यू फायर, फायर ओपी इन द चैट। देख यार मना नहीं कर रहा मैं, फायर ना बहुत अच्छा खेलता है लेकिन मेरे साथ स्कैम क्यों हो रहे हैं, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। जहाँ पे यार वापस चढ़ते थे सुपर स्लाइड और मैं रुक के गया भाई, देखो मेरा पिंग वापस हाई हुई थी, मैं समझ गया था पंगा हो जाएगा। एक टाइम को तुम लोग ने देखा होगा तो मेरा जॉयस्टिक ग्लिच वापस हुआ था वहाँ पे, एक ही तरफ मतलब राइट में ही ऊपर चलता जा रहा था जॉयस्टिक, यहाँ पे फिर से नेट चला गया, मैं फिर गिर गया भाई। क्या पंगा है, क्या चाहते हो ज़िंदगी से, मतलब मेरी ही ऐसी जैसी फेरनी है भाई, किसी और के फ़ोन को जाके झपटो ना यार, कहीं और जाओ ग्लिचेस डालो, मेरे आगे क्यों, क्या बिगाड़ा है भाई, मैं परेशान हो गया हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये गेम ना डिलीट हो जाएगी मेरे से, इतना मतलब फ्रस्ट्रेट करती है ना, मेरे दिमाग पे बैठ गई है गेम, मन तो करता है यार डिलीट कर दूँ भाई, पर फिर तुम लोग हो जो करने नहीं दोगे। ठीक है भाई, डालते जाएंगे वीडियो। यहाँ पे भाई अब आ चुका था वापस से ब्लॉक डैश, जो कि मेरे कल फाइनल राउंड है, अब फाइनल हो ना हो भाई पिट तो हम गए हैं। ठीक है, अपन हार चुके हैं, वो मेरे को बहुत पहले समझ आ गया था, जब जाना चालू हो गया था ना ऐड आई थी, जब ये ऐड भाई अलग ही चमकी है भाई मेरे दिमाग में भाई, ऐड भाई क्या है, क्या है भाई, मतलब नेट जाता है गुस्सा आता है, जॉयस्टिक ग्लिच होता है गुस्सा आता है, जंप ग्लिच होता है गुस्सा आता है, ऐड आई हंसी आई भाई, पता नहीं क्यों मेरे को गुस्सा नहीं आया पहली बार भाई, अभी नया नया ग्लिच है, नया नया ससुराल आया है भाई, होएगा गुस्सा उस पर भी होएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे यार देखो, अब फायर तो देखो अच्छा प्लेयर है, मैं कोई मना नहीं कर रहा, फायर बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है,
मैं मना नहीं कर रहा, कोई भी उसका फैन मेरे मत्थे मत चढ़ जाना कि भाई कि अच्छा खेलता है नू, कैसे बोल रहा है तू, बहुत अच्छा खेलता है भाई। लेकिन फायर अगर तू ये वीडियो देख रहा है या नहीं भी देख रहा है तो रीमैच मेरे को चाहिए, ठीक है। या तो तुम लोग इसको जाके बोलो या तो मैं खुद बोलूँगा भाई मेरे को रीमैच मांगता है इसके साथ, ये अच्छा खेलता है लेकिन मेरे को करना है यार रीमैच, जिद बन चुकी है अब मेरी। पर अब देखो यार तुम लोग को किस और बंदे के साथ वन यून चाहिए मेरे को जल्द से आगे कमेंट सेक्शन में बताओ। और गॉडेस का नाम कोई नहीं लिखेगा क्योंकि गॉडेस ने मना कर रखा है कि जब तक उसका एग्ज़ाम है वो वन यून नहीं करने वाला, तो नहीं कर सकते उसके साथ। जैसे उसके एग्ज़ाम्स खत्म होंगे उसकी बुद्धि पकड़ लेंगे कि आधा चल वन यून करें, कोई टेंशन नहीं है। जब तक के लिए कोई और बंदा बता दो। अभी तक तो यार देखो मरजानी लाइफ चल रही थी, अच्छा खासा जा रहा था सब, भले ही पूरा टूर्नामेंट की ऐसी तैसी हो गई है लेकिन ये मैच अच्छा जा रहा था अभी तक। और मैं सोच रहा था यार मैं ये तो जीत जाऊँ, कम से कम इज्जत तो बचेगी थोड़ी सी बचेगी, क्योंकि बाकी तो मैं खो चुका हूँ, मेरे को समझ आ चुका था थोड़ी सी तो बचा लूँ। ऊपर से आखिरी में ही ब्लॉक डैश रखा हुआ है मैंने, ऊपर से खेलता इतना अच्छा है महाशय, फट्टी अलग है। पर अब वो सीरियस खेल भी नहीं रहा था, उसको समझ आ गया था वो जीत गया है, वो अपना हवा में ही खेल रहा है भाई, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी ऐसी जैसी मेरा रोज़ का है, मैं रोज़ जीतता हूँ। यहाँ पे मेरा हल्का सा नेट फिर गया लेकिन टाइमिंग इस बार थोड़ी अच्छी थी, जिंदा बच गया मैं, वरना तो फिर कांड होना था। यार देखो जब तक अच्छा खासा चले ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दो तीन ग्लिचेस से दिक्कत है। और अगली बार जब मैं वन वन करूँगा मैं पहले एक बार देख लूँगा कि मेरा नेट ठीक चले। और यार ये अपडेट से पहले ये पंगा होता है, और किसी गेम में मेरा नेट नहीं जा रहा, इसी में ही क्यों जा रहा है मेरे को नहीं पता, इस बार वापस चला गया। लिटरली भाई मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाऊँ ना वो भी 1080p पे देखूंगा मैं, अटकेगी भी नहीं, इतू सी भी नहीं अटकेगी। और यहाँ पे नेट के पंगे होते रहते हैं। अब बेटा में अपडेट आ गया, एक बार मेन वर्जन में भी आ जाए तो मेरे ख्याल सब सेट हो जाएगा। और एक क्लिप मैंने तुम लोग को जंप ग्लिच दिखाने के लिए दिखाई थी वापस से, एक बार तुम वापस देख सकते हो कि जंप मतलब जॉयस्टिक ग्लिच हुआ था, जंप ग्लिच तो नहीं हुआ था। तो बस आज की वीडियो इतनी, उम्मीद करो अच्छी वीडियो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि यार ऐड वाला ग्लिच किसके साथ हुआ है। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।